Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, in today's video we are going to write about Mahatma Gandhi. So friends, today's video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And friends, don't forget to follow me on Instagram. My user ID is allroundknowledge. So without wasting much time, let's get started now. मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि जन्म हुआ था, इसे हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, यानी किन्हीं का भी जन्म हुआ तो लिखेंगे वॉज बोर्न। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब 3 यूज होता है। तो इसका जो बेस फॉर्म है वो क्या है? जैसे मान लीजिए दोस्तों वेंट, तो यह गो से बना है, गो वेंट गोन। उसी प्रकार दोस्तों बोर्न किस वर्ब से बना है? तो दोस्तों यह बेयर से बना है, बेयर बोर बोर्न, यह है वर्ब 3। और दोस्तों बेयर वर्ब का अलग अलग तरीके से यूज होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, काफी इंपोर्टेंट वर्ब है, कभी बना दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोर्न जो है वो बेयर से बना है। और जन्म होता है, इज बोर्न आप कह सकते हैं, पास्ट में है, जन्म हुआ था यानी वॉज बोर्न। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म 1998 में हुआ था, आई वॉज बोर्न इन 1998। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न। कब? 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर 1869। इन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस एक कोमा दे देंगे। इसके बाद दोस्तों कहां पर जन्म हुआ वो लिखेंगे, इन गुजरात, पोरबंदर गुजरात भी आप लिख सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो दोस्तों यहां पर था है तो वॉज यूज करना है। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही ज्यादा यूज हुआ था। और दोस्तों जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं, बीती हुई बातों की चर्चा करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। और दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड लगाकर लिखना, ये बहुत ही स्पेशल मामलों में यूज होता है। जनरली दोस्तों पास्ट को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? जब दो पास्ट की घटना रहे और एक उससे भी पहले हुआ हो, तब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर भी आए, ये घटना भी पास्ट में हुई। रोगी मर चुका था, ये भी घटना पास्ट में हुई। तो पहले क्या हुआ? रोगी मरे, उसके बाद डॉक्टर आए, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जो घटना पहले हुई उसमें हैड यूज किए। दोस्तों जनरली आप यह समझ लीजिए कि आमतौर पर सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, तो यहां पर लिखेंगे हीज फादर्स, का के लिए अपॉस्ट्रोफी कोमा एस का यूज करेंगे, नेम वॉज करमचंद Gandhi. His father's name was करमचंद गांधी। वे एक राज्य के दीवान थे, तो यहां पर लिखेंगे He was the diwan of a state। He was the diwan of a state। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, तो यहां पर लिखेंगे His mother's name was Putlibai. His mother's name was Putlibai. वे एक धार्मिक महिला थी, तो यहां पर लिखेंगे she was a religious, या फिर आप pious भी लिख सकते हैं, lady. She was a pious lady. उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, तो यहां पर लिखेंगे his wife's name was कस्तूरबा गांधी. His wife's name was कस्तूरबा गांधी. गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की थी, तो दोस्तों इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट. तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? गांधी जी. गांधी जी स्टडीड लॉ. यहां पर लॉ क्या है? ऑब्जेक्ट. कहां पर? इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड. गांधी जी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड. वे एक बैरिस्टर बने, तो यहां पर लिखेंगे ही बिकेम अ बैरिस्टर. ही बिकेम अ बैरिस्टर. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किया. तो दोस्तों यहां पर है नेतृत्व किया था. नेतृत्व करना यानी कि लीड, और इसका वर्ब फॉर्म होता है लेड. लेड दोस्तों यहां पर लीड वर्ब है, और जब इसे लेड पढ़ते हैं तो लेड का अर्थ होता है शीशा, तब यह नाउन बन जाता है. यानी कि प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. लीड एज अ वर्ब, लेड एज अ नाउन. तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब. तो नेतृत्व किसने किया? उन्होंने, यानी कि ही. लेड किस चीज का? भारतीय संघर्ष का. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट. दी इंडियन स्ट्रगल. स्वतंत्रता के लिए, फॉर इंडिपेंडेंस, या फिर फ्रीडम. अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ही लेड द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. वे कई बार जेल गए थे, तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में. यहां पर लिखेंगे He went to jail many times. He went to jail many times. वे एक उदार हृदय के व्यक्ति थे, तो यहां पर लिखेंगे He was a kind-hearted. आप चाहें तो सॉफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन. उन्होंने गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. वर्ब क्या है? संघर्ष करना, यानी कि स्ट्रगल. स्ट्रगल नाउन भी है और वर्ब भी है. उन्होंने, यानी कि ही स्ट्रगल्ड. किनके लिए? गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए, फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर एंड द बैकवर्ड्स. ही स्ट्रगल्ड फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर एंड द बैकवर्ड्स। उनके प्रयासों से ही अस्पृश्यता का अंत हुआ यानी छुआछूत। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इट वॉज थ्रू हिज एफर्ट्स दैट untouchability अंत हुआ यानी कि केम टू एन एंड। इट वॉज थ्रू हिज एफर्ट्स दैट untouchability केम टू एन एंड। दोस्तों आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं इट वॉज हिज एफर्ट्स that ended untouchability it was his efforts that ended untouchability। उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि। तो यहां पर लिखेंगे He started many या फिर आप several का भी यूज कर सकते हैं several movements जैसे कि such as the non-cooperation movement भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, एटसेट्रा। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ही स्टार्टेड मेनी मूवमेंट्स सच एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एटसेट्रा। वे साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे तो यहां पर लिखेंगे ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग। उन्होंने चरखे के उपयोग का समर्थन किया था। समर्थन करना यानी कि सपोर्ट। तो यहां पर लिखेंगे He supported किस चीज का? चरखे के उपयोग का। The use of चरखा। He supported the use of चरखा। वे सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। तो यहां पर लिखेंगे ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग। आप स्टॉन्च का भी यूज कर सकते हैं स्टॉन्च सपोर्टर सत्य और अहिंसा के, ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो दोस्तों यहां पर बोलते थे, फिर भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं ही नेवर told a lie। आप चाहें तो यूज टू का भी यूज कर सकते हैं he never used to tell a lie। he never told a lie। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथुराम गोडसे द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी। तो यहां पर है दोस्तों उन्हें गोली मार दी गई थी यानी कि पैसिव वॉइस, काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ। तो यहां पर लिखेंगे ही वॉज सो डेड, नाथुराम गॉडसे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ऑन 30 जनवरी 1948 he was so dead by Nathuram Godse on 30 जनवरी 1948। वे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं यानी कि पैसिव वॉइस यहां पर भी है। तो यहां पर लिखेंगे he is known as the father of the nation। He is known as the father of the nation। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2nd October 1869 in Gujarat। His father's name was Karamchand Gandhi। He was the Diwan of a state। His mother's name was Putlibai। She was a religious lady। His wife's name was Kasturba Gandhi। Gandhiji studied law in England। He became a barrister। He led the Indian struggle for independence against the Britishers। He went to jail many times। He was a kind-hearted person। He struggled for the rights of the poor and the backwards। It was through his efforts that untouchability came to an end। He started many movements such as the non-cooperation movement, Quit India movement, etc। He was a man of simple living। He supported the use of charkha। He was a strong supporter of the truth and non-violence। He never told a lie। He was so dead by Nathuram Godse on 30th January 1948। He is known as the father of the nation। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑलराउंड नॉलेज। दोस्तों दशहरा आने वाला है तो उस पर जो वीडियो मैंने बनाया है उसे भी जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। और दोस्तों दीपावली पर भी वीडियो है तो आप लोग पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।